एक दिन का सास देखा था नहीं तोरा के की बचावा था। नमस्कार प्रणाम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भोजपुरी के सुपर डुपर हिट होने वाली फिल्म जो कि एक दिन की सास, भोजपुरी मूवी जो कि आप लोग के काफ़ी धमाल मचाने वाला मूवी आ रहे हैं दोस्तों आप लोग के नज़दीकी सिनेमा घरों में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, और आप लोग को देखने के लिए कैसे मिलेंगे मोबाइल से, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे, आप लोग को बताएंगे विस्तार से कैसे देखने के लिए मिलेंगे आप लोग को घर बैठे इस मूवी को। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस फिल्म का नाम है एक दिन की सास दोस्तों, जिसमें कि स्टार कास्ट काजल राघवानी जी, जय यादव और किरण यादव, प्रेम दुबे, श्वेता वर्मा और रिंकू भारती, और स्वर्गीय आकांक्षा दुबे और अन्य लोगों ने इसमें स्टार कास्ट का काम किए हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम किए हैं। और खास बात इसमें दोस्तों ये मिलेंगे आप लोग को, जो कि आकांक्षा दुबे जो कि अभी ये दुनिया में नहीं रही, उसका इस फिल्म में किरदार निभाते हुए नजर आएंगे दोस्तों, जो कि आप लोग को पिछले दिनों की याद फिर से ला देंगे दोस्तों। एक दिन की सास फिल्म को देखने में आप लोग को काफ़ी आनंद आएंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे, और आप लोग को बताएंगे दोस्तों विस्तार से आप लोग को कैसे देखने के लिए मिलेंगे आप लोग को घर बैठे इस मूवी को। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों, तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए हैं, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों, मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया है दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों, तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों, कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा, तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस ऐप पे। तो आप लोग जरूर से जाइएगा, दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को, और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी, क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का। तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं, और काफ़ी
कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की साथ फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की साथ फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की साथ फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किएंगे दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम किए दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम किए दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में। और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें। और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी फिल्म मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम किए दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम किए दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में। और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें। और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी फिल्म मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास
नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के साथ और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजूर ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजूर ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों।
और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया है दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासुए के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा, और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए हैं, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह, और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया है दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से
रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन का इंटरटेन रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के साथ और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जी इसमें निर्देशक का काम किए हैं जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन का इंटरटेन रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों
जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस मिलन में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों। एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों। जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह, और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों। इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस मिलन में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों। एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ
किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए हैं जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम किए दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम किए दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में। और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें। और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी फिल्म मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम किए दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम किए दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस ऐप पे। तो आप लोग जरूर से जाइएगा, दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी फिल्म मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास
नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह, और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों।
और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के साथ, और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमाघरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों। इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से
रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे। तो आप लोग जरूर से जाइएगा, दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का। तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए हैं जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे। तो आप लोग जरूर से जाइएगा, दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों
जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस मिलन में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों। एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों। जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह, और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों। इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए, ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस मिलन में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों। एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में।
और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते दर्शक खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है। दोस्तों आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलके काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों, इस फिल्म को लगाया जाएगा और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किएंगे दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में। और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें। और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलके काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी फिल्म मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम किए दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम किए दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे। तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का। तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी फिल्म मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास
नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी, जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के साथ, और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों।
और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया है दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा, धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का, और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह, और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों। इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से
रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन का इंटरटेन रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के साथ और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे। तो आप लोग जरूर से जाइएगा, दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का। तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों और आप लोग के बीच सिनेमाघरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन का इंटरटेन रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे। तो आप लोग जरूर से जाइएगा, दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों
जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस मिलन में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों। एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा, और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजूर ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह, और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजूर ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों। इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और नरंत का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए, ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पर, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और दंगल ऐप पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस मिलन में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों। एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ
किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलके काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए हैं जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम किए दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम किए दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में। और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें। और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलके काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी फिल्म मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम किए दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम किए दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी फिल्म मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास
नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह, और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को, सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों।
और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के साथ, और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों एक दिन, उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने के मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजूर ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजूर ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों। इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से
रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के साथ और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस फिल्म में और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जी इसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों, एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए हैं जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पे आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं। इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन के साथ और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों
जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस मिलन में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों। एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में। और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते हुए खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस, और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक दोस्तों। जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में, जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म को लगाया जाएगा। और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में, जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए, जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह, और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है, जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ दोस्तों। इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों, और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए, और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत, और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों सरफराज और खान छायांकन का काम किए, और संकलन समीर शेख जी किए हैं। और नृत्यों का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्यों का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों, और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए, ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को इसलिए रखा गया नाम दोस्तों इसमें एक दिन की सास, इसमें ननद सास और बहू का किरदार निभाया गया दोस्तों, जिसमें कि महाभारत जैसा लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों इस मिलन में, और नाटक और काफ़ी मज़ेदार सीन लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी। और दोस्तों काजल राघवानी जिसमें अपने सास के ऊपर एक दिन के खातिर काजल राघवानी जी सास बनते हैं दोस्तों, और अपने सासू के साथ काजल राघवानी जी बहुत ही गलत करते हैं दोस्तों। एक दिन उसको बहुत ही सताते हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए सताते हैं दोस्तों काजल राघवानी जी क्योंकि उसको सास उसका बहुत ही सताते हुए नजर आते हैं दोस्तों इसमें, और कोर्ट से इसको ऑर्डर दिया जाता है दोस्तों एक दिन की सास बनने का, तो इसलिए काजल राघवानी जी एक दिन का सास बनते हैं और काफ़ी कुछ किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों एक दिन में।
और एक दिन की सास फिल्म बहुत ही काफ़ी अच्छे और काफ़ी बवाल मचाते खतरनाक तरीके से नजर आए हैं दोस्तों काजल राघवानी जी की तरफ से। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस और वीडियो को दिल से कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों इस फिल्म को भी और इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। आप लोग बता दें दोस्तों एक दिन की सास फिल्म के बारे में जो स्टार कास्ट काजल राघवानी जी और जय यादव जी है दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और आप लोग के बीच सिनेमा घरों में जल्द ही लगने वाले हैं दोस्तों, इस फिल्म को लगाया जाएगा और एक दिन की सास फिल्म को जरूर से देखिएगा आप लोग और आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात करें एक दिन की सास भोजपुरी मूवी के बारे में जो कि काजल राघवानी जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे और काफ़ी खतरनाक तरीके से किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में। और दोस्तों निर्देशक का बात करें दोस्तों तो मंजुल ठाकुर जिसमें निर्देशक का काम किए हैं जो कि काफ़ी बवाल और काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें निर्देशक का। और निर्माता इस फिल्म का जो है मंजुल ठाकुर जी और अपूर्व मेरतिया और मोनिका सिंह। और इस फिल्म का जो कहानी और पटकथा है दोस्तों मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जिसमें कहानी और पटकथा का काम किए दोस्तों, जो कि आप लोग को देखने के लिए आपको अच्छे लगेंगे। और दोस्तों एक दिन की सास नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों आप लोग को सास बहू का इसमें झगड़ा दोस्तों दिखाया जा रहा है जो कि एक परिवार में चलता हुआ रियल घटने पर आधारित बनाया गया दोस्तों इस मूवी को। और इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मोबाइल में कैसे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और आप लोग को बताएंगे दोस्तों आगे कि कैसे देख पाएंगे आप लोग इस फिल्म को अपने अपने घरों में बैठ के ही और अपने परिवार के साथ। दोस्तों इस फिल्म को पूरा परिवार के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का कहीं भी कुछ दुरुपयोग नहीं किए गए दोस्तों। और आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और सास बहू और ननद का झगड़ा इस फिल्म में दर्शाया गया दोस्तों जो कि आप लोग को देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और इस फिल्म में दोस्तों पहले की तरह मारधार काट नहीं है दोस्तों, इस फिल्म में पारिवारिक रूप लिया गया दोस्तों, पारिवारिक रोल लिया गया है काजल राघवानी की तरफ से। और आप लोग को पता है दोस्तों इसमें जो संवाद का काम किया दोस्तों अरविंद तिवारी जिसमें संवाद का काम किए और संगीत ओम झा जी दिए हैं जी दोस्तों, जो कि काफ़ी फिल्मों में देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी फिल्म में देते हुए आ रहे हैं ओम झा जी संगीत। और गीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी काम के दोस्तों गीतकार का। और छायांकन का बात करें दोस्तों तो सरफराज और इसमें खान जी काम के दोस्तों, सरफराज और खान छायांकन का काम किए और संकलन समीर शेख जी किए। और नृत्य का बात करें दोस्तों कानू मुखर्जी और परसुन यादव जी इसमें नृत्य का काम करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। और पोस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लोटस स्टूडियो से रिलीज किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें म्यूजिक ऑन काउंटर 10 रंगीला से ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अगर आप लोग अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखेंगे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाइए और इस मूवी का ट्रेलर देखिए। ट्रेलर देख के आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि किस तरह का इस मूवी को बनाया गया। और दोस्तों आप लोग अगर इस फिल्म को देखना है पूरा तो आप लोग दंगल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर दिया जा रहा है दोस्तों एक दिन की सास और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट मूवी आते रहते हैं दोस्तों उस फिल्म उस ऐप पे, तो आप लोग जरूर से जाइएगा दंगल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दंगल ऐप पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस फिल्म को और काफ़ी आनंद उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों एक दिन की सास जो है इस मूवी को